would have eaten him alive. हर वक्त मेरी खिदमत पे लगी रहना है, इसीलिए कह रही हूँ दो दिन जरा अम्मी की तरफ हो आओ, दिल बहल जाएगा। अभी नहीं, खालिद खैरियत से पहुंच जाए उसके बाद ही सोचूंगी। चलो तुम्हारी मर्जी। अम्मी एक बात पूछूं? हाँ बस पूछो। खालिद अमेरिका क्यों गया? खालिद अमेरिका क्यों गया? खालिद अपनी कंपनी के काम से गया? ऐसा कौन सा काम है अम्मी? बेटे हमसे तो ये कह के गया है कि कोई मसला है कंपनी का, वो हल करने गया। एक बात बताओ, शौहर तुम्हारा, तुम्हें ज्यादा पता होना चाहिए ना। नहीं अम्मी, मुझे तो कोई और ही बात लग रही है, कंपनी का मसला नहीं है। बिना कोई और क्या बात हो सकती? पता नहीं, लेकिन मैं बहुत अजीब फील कर रही हूँ। जैसे बिना, तुम परेशान मत हो, अपने दिमाग को बिल्कुल मत उलझाओ। जो भी मसला होगा ना वो खालिद हल करके ही आएगा। और मैं बताऊँ मुझे क्या लग रहा है, वो पहली दफा तुम्हें छोड़ के गया इसलिए तुम घबरा रही, तभी तो मैं कह रही हूँ अम्मा क्या हुआ। आप और अब्बू भी तो इतने परेशान हैं। हमारा क्या है बच्चे, हम तो तुम्हारी परेशानी से मजीद परेशान हो जाते हैं। तुम खुश तो हम खुश, तुम परेशान तो हम तुमसे ज्यादा परेशान। आप फ्रूट्स तो खाएं। मैं तो खा लूंगी, तुम भी खाओ मेरे हाथ से। अरे अम्मी आप तो खा लें। ये तो हो गई तैयार तुम? अफशान जल्दी से रेडी हो जाओ यार। अम्मी आप भी उठ जाएं, वो लोग आ गए। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, चलो भाई। हाँ अफशान जल्दी से तैयार हो जा बेटे, और हल्की सी लिपस्टिक भी लगा ले, दुपट्टा सर पे रखना। हाँ और यहीं रहना, मैं खुद आऊंगी तुम्हें लेने। चल आ जाओ। शाबाश। बहुत गंदे पत्ते हैं, वो सब निकाल देना ठीक है। सफिया ये तो हो ही गया, आप जाके किचन देख लें। कैसी हो हिना? अंकल आंटी कैसे हैं? खालिद भाई कैसे? सब बिल्कुल ठीक हैं, और खालिद आज ही अमेरिका गए हैं। हाँ मुझे अम्मी बता रही थी। वैसे खैरियत इतनी अचानक चले गए? वो कंपनी के कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से उन्हें अचानक जाना पड़ा। आप बताएं घर में सब ठीक हैं? सब ठीक हैं, बस इस वक्त तो मैं घर में अकेली हूँ। अकेली हैं आप? क्यों, अम्मी कहाँ हैं? और अस्मा भाभी आज फिर अपने घर रहने चली गई? नहीं नहीं नहीं, रहने नहीं गए, अफशा के रिश्ते के सिलसिले में कोई लोग आ रहे हैं तो बस उन्हीं के लिए गएंगे। ओ अच्छा, तुम नहीं आ रही आज क्या? देखते हैं भाभी, कल अगर आना हुआ तो मैं जरूर आऊंगी। खालिद के जाने की वजह से अम्मी पापा बहुत डिस्टर्ब हैं, आपको तो पता ही है
हमारे घर में अफराद ही कितने, एक भी चला जाए तो घर साए साए करता है। चलो खैर, जब भी आओ मुझे बता देना, मैं हामिद से राहिल से कहूंगी तुम्हें पिक कर लेंगे। ठीक है भाभी, जैसा भी होगा मैं बता दूंगी। अल्लाह हाफिज। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। सफिया, प्लीज फोन उठाओ यार। सर, अरशद साहब ने ये चीज फाइनल कर दी थी, उन्होंने कहा तो मैं आपको अब दिखा दूं। ये भाई को ही दिखाना। लेकिन सर उन्होंने तो, अरे मैंने कहा ना भाई को दिखाना, प्लीज अभी जाओ। फोन उठाओ यार प्लीज। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। राहिल बात सुनो, तुम टाइम पे ऑफ करके आ जाना, मैं घर आ गया हूँ। और सुनो, वो डील फाइनल हो गई है हमारी। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। अरशद भाई आ गए? नहीं, अरशद तो अभी घर नहीं आया। मेरे ख्याल में वो अम्मी और अस्मा को साथ लेकर आएगा। जी मैं भी घर आता हूँ, बस एक सैंपल देखना है, काम तकरीबन हो गया है, मैं वापस आ रहा हूँ। चल ओके, अल्लाह हाफिज़। लंबी मीटिंग क्यों हो गई होगी? लो जी, वो तो आज ही रिश्ता तय कर गए। वैसे सच्ची बात है, मुझे तो लड़का, उसकी माँ और जो घराना वो बता रहे थे, सब बहुत अच्छा लगा है। जी हाँ। जी जी, लड़का भी बहुत वेल मैनर्ड और अच्छी पर्सनालिटी का मालिक है। लड़के की आमदनी बहुत अच्छी है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, घर में सिर्फ अकेली माँ है, और सबसे बड़ी बात, ससुराल का कोई झंझट ही नहीं है। ये कैसी बातें कर रही हो बेटा तुम? लोग अच्छे हों तो बड़ा घराना भी बहुत अच्छा लगता है, कुनबा होता है, सब एक दूसरे का दुख सुख बांटते हैं। और मुझे यकीन है मेरी बेटी को लोगों का एहतराम करना आता है और वो उनकी कदर करेगी। तो फिर अबू कब हाँ करनी है? अरे भाई ऐसे कैसे इतनी जल्दी है? अभी जरा लड़के का दफ्तर, उसके आसपास के लोगों से कुछ मालूमात तो करेंगे ना। अच्छा वालदा, मेरा जाती ख्याल ये है कि क्यों ना हम एक बार उनका घर बार देख लेते, उसके बाद एक हफ्ते बाद का टाइम दे देते दे, किसी दिन का।
क्यों अंकल, क्या कहते हैं आप? भाई जैसा मुनासिब समझे आप लोगों, फाखरा बहन है ना, अब ये सब इन्हीं की जिम्मेदारी है। तो ठीक है, मैं कल ही फोन करके बोल देती हूँ कि संडे को हम लोग आ रहे हैं। क्यों अब्बू? अरे ये क्या मुनासिब होगा? बिस्मिल्लाह करें। वहाँ तो बस संडे का कह दो फिर। जी ठीक है, मैं कह दूंगी। तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? अफशा कहाँ हो तुम? सुबह से कॉल कर रहा हूँ मैं तुम्हें, फोन क्यों नहीं उठा रही? गया मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। असल में आप नमाज पढ़ी थी पहले। हाँ। फिर मैं देखकर वापस चला गया था। सर में दर्द है आपके? अरे अरे नहीं है मेरे सर में दर्द, छोड़ बिल्कुल नहीं है सर में दर्द, बस ऐसे दिल कर रहा था आपका सर दबाने का। हाँ। बल्कि टांग सीधी करें, आपकी टांगों में भी दर्द रहता है ना। अच्छा बता क्या चाहिए? नहीं कुछ नहीं। जब तुम छोटे से थे ना तो जो भी कोई चीज चाहिए होती थी मेरे कंधे पे सर रख के मांगते थे, और अगर मैं नहीं देती थी तो रो रो के वो बुरा हाल करते थे कि जब तक ना दे दूं चैन नहीं आता था तुम्हें, याद है ना? बचपन भी क्या हसीन चीज होती है ना। माँ के लिए तो बच्चों का बचपन जवानी सब एक सा होता है। माँ बेटे का रिश्ता बचपन या जवानी का मोहताज नहीं होता बेटा। माँ तो बच्चों की ख्वाहिश फरमाइश हर उम्र में पहचान जाती है। और हाँ भाई, हक भी है तुम्हें माँ से फरमाइश करने का। मेरे लिए तो तुम अब भी वो ही छोटे से राहील हो। अम्मी आप अस्मा भाभी के यहाँ गई थी ना, क्या हुआ? अरे हाँ भाई, बड़े ही अच्छे लोग थे वो तो। मुझे तो लड़का बहुत ही सुलझा हुआ समझदार लगा, शक्ल का भी बड़ा अच्छा था। उसकी माँ भी बड़ी पढ़ी लिखी समझदार सी औरत लग रही थी, और उन्हें तो हमारी अफशान देखते ही पसंद आ गई। वो तो अपनी तरफ से रिश्ता भी पक्का कर गए हैं, सिर्फ हमें सोचने का टाइम देकर गए। और क्यों ना हो, अफशान है ही बड़ी प्यारी, शक्ल खूबसूरत समझदार बच्ची है। मम्मी आप उन्हें इनकार कर दें। हैं? ये क्यों भला? कोई वजह भी तो हो मना करने की। अभी आपने ही तो कहा कि अफशां बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत समझदार, तो क्या वो हमारे घर नहीं आ सकते? क्या मैं अफशान से शादी करना चाहता हूँ? हेलो। हेलो अफशान। हाँ राहिल। मैंने अम्मी से बात कर ली है। क्या कहा उन्होंने? साफ इनकार कर दिया, और मुझसे कहा कि अगर आइंदा तुम्हारी जबान पे अफशान का नाम आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और कमरे से बाहर निकाल दिया। क्या करता मैं? तो तुमने मुझे क्यों फोन की?
तुमने तो बड़े एतमाद से कहा था राहिल कि तुम मुझे किसी और का नहीं होने दोगे। कहाँ गए तुम्हारे वो सारे दावे? हवा हो गए ना? राहिल तुम कुछ नहीं कर सके, कुछ भी नहीं। अब मैं ना तुम्हारे सामने आऊंगी ना तुमसे बात करूंगी, भूल जाओ तुम मुझे, भूल जाओ कि आपने कभी कोई मोहब्बत की थी, भूल जाओ कि हमने सारी जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखे थे। मैं भी यही समझूंगी कि वो सब एक सराब था, एक ख्वाब था जिसकी कोई हकीकत नहीं, जो इस सरल सी आर्ट से टूट जाता है। राहिल मैं आज के बाद तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, मैं तुम्हारा नंबर डिलीट कर रहा है, तुम भी मेरा नंबर डिलीट कर दो, मैं आज के बाद तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। अरे अफशान मेरी बात तो सुनो, इतनी सेंटिमेंटल क्यों हो रही हो? अब कहने के लिए रह क्या गया राहिल? अम्मी ने कहा है कि उन्हें सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए। तुम पहले मजाक कर रहे थे या आप झूठ बोल रहे हो? अरे कसम से सच कह रहा हूँ भाई, अम्मी को सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, लेकिन मैंने साफ कह दिया है कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अफशान से करूंगा, वरना नहीं करूंगा। अम्मी ने कहा कि जब तक मैं ना कहूं किसी से इस बात का जिक्र मत कर। तुम सच कह रहे हो ना? अरे हाँ ना, पक्की बात। मैंने कह दिया ना कि मैं शादी करूंगा तो तुमसे ही करूंगा, आखिर यार मेरी भी बात घर में चलती है। रहे तुम कितने बदतमीज हो, मैं रो रही हूँ यहाँ पे तुम्हारे सामने, तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ। बस अफशा की शादी की तारीख तय हो जाए, फौरन तैयारी शुरू कर दूंगी। उसके साथ साथ मैं अपनी तैयारी भी शुरू कर दूंगी, क्या कहते हैं आप? क्यों भाई, तुमने भला क्या तैयारी करनी है? शादी, मायो, मेहंदी, वलीमा, इतनी तकरीबात होती हैं, क्या मैं कपड़े नहीं बनाऊंगी? अरे अभी तुम्हारी अपनी शादी के इतने सारे कपड़े तो रखे, वालदा ने इतने महंगे और इतने भारी ड्रेसेस सिलवा कर दिए, वो अभी पहने का है तुमने? वो मैं अफशा की शादी में पहनूंगी भी नहीं। क्यों, क्यों नहीं पहनूंगी? वो तो सबने देखे हुए हैं ना, और वैसे भी ओल्ड फैशन हो गया है, किसी दूर की शादी में पहन लूंगी, अभी नए बना लेते हैं। अस्मा बिला वजह की फजूल खर्ची और कुछ नहीं। मैंने आपका फजूल खर्चा कब करवाया? प्लीज बना देना, दो ही तो सूट की बात है, प्लीज प्लीज। अच्छा बाबा जब वक्त आएगा तब देख लेंगे, प्लीज जरा सर पानी तो लेकर आ लाती हूँ। थैंक यू। क्या हुआ भाभी? अरशद के लिए पानी लेने आई हूँ। अरे सुनो राहिल, हमने अफशा का रिश्ता तय कर दिया, एक दो दिन में बात पक्की हो जाएगी। हम सब ने मिलकर फैसला किया है कि उसकी शादी जरा जल्दी कर देंगे। अच्छा, फिर तो आप बहुत जल्द शादी की तैयारियों में भी लग जाएंगी। हाँ हाँ ऐसा ही है। Thank you.
अम्मी अभी आपने ही तो कहा कि अफशां बहुत खूबसूरत है, खूबसीरत, समझदार, तो क्या वो हमारे घर नहीं आ सकती? सोचने का कहकर टाल तो दिया है राहिल को, पर ये दो तीन दिन गुजर जाएंगे तो जवाब क्या दूंगी उसे? अरे मुझे कोई मतलब नहीं है तुम्हारी भाभी से, अलग घर लेकर दो मुझे, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती, बस। मैं अफशान से शादी करना चाहता हूँ। अस्मा के तौर तरीके तो मैंने देख ही लिए हैं, उसी को संभालना मुश्किल हो रहा है। अगर कहीं ये दूसरी भी आ गई तो ये दोनों बहनें तो मिलके एक महाज खड़ा कर देंगी। तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना, अपनी माँ से अपना हिस्सा लो और मुझे अलग से घर लेकर दो, बस फाइनल है ये। मैं इस घर में नहीं रह सकती, मतलब नहीं रह सकती, मुझे अलग घर चाहिए। या अल्लाह, मेरी मुश्किल का कोई हल निकाल दे मालिक, ये नहीं चाहती मैं ये नहीं चाहती। अम्मी वॉशरूम है क्या? अरे राहिल क्या हो गया बेटे? ओ अम्मी, वो मैं जब रात आपसे बात करके गया ना तो बस दिमाग में एक बात चल रही थी। कौन सी बात? आपने सोचने के लिए टाइम क्यों मांगा था? शादी ब्याह का मामला है बेटे, जाहिर है सोच विचार तो जरूरी है, सारी जिंदगी का मामला है। लेकिन अम्मी जिंदगी तो मैं और अफशां साथ गुजारना चाहते हैं ना। वो कहते हैं ना कि जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। ऐसी बेकार बेहुदा मिसालें मेरे सामने देने की जरूरत नहीं है। अच्छा ना, I'm sorry, लेकिन अम्मी आप खुद सोचे ना, अगर ये दो चार दिन सोचने में आप लगाएंगी और उधर जहीर अंकल ने किसी और रिश्ते के लिए हाँ कर दी तो क्या होगा? तो मैं दुआ करूंगी कि अल्लाह उस बच्ची के नसीब अच्छे करे, शादी यहाँ हो या वहाँ। वहाँ क्यों अम्मी, यही होगी ना। मतलब वहां का क्या मतलब है, यही होगी, मुझसे ही होगी। तुम्हें समझ नहीं आ रही बेटे बात, कोई मजाक थोड़ी है, ये कोई आसान बात है। तो समझाए ना, आखिर मैंने ऐसी कौन सी मुश्किल बात कह दी है जो आप? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, तुम नहीं समझोगे अभी। तो समझाए ना। देखो बेटे, अगर अफशां की बहन इस घर में ना होती ना तो बात फर्क थी, अब जब दो बहनें एक ही घर में ब्याह के चली जाती हैं तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। यही देखा गया है आमतौर पे कि वो मोहब्बत, वो खुलूस नहीं रहता। अम्मी मैं नहीं मानता इन बातों को, और वैसे भी अफशां अस्मा भाभी से ज्यादा अच्छी है। बहरहाल जो भी फैसला मैं करूंगी ना तुम्हारे हक में वो ही बेहतर होगा। अच्छा अब जिद ना करो मुझसे, जाओ यहां से। क्या हुआ अम्मी, राहिल सुबह सुबह किस बात पे जिद कर रहा था? कुछ नहीं बेटे। नहीं अम्मी, कोई बात तो है, आपका चेहरा बता रहा है आप परेशान लग रही हैं। बताइए ना क्या बात है? अफशां से शादी की जिद कर रहा है।
नहीं अम्मी, बिल्कुल नहीं। मैं भी यही कह रही हूं कि नहीं। तुम समझ रही हो ना फौजिया मेरी बात को। अपने बच्चे की खुशी भी चाहती हूं मैं, लेकिन ये भी नहीं चाहती। बड़ी मुश्किल में फंस गई हूं। अम्मी अगर आप इजाजत दें तो मैं हामिद से कहूं कि वो राहिल को समझाए। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती कि राहिल को ये पता भी चले कि तुम उसकी इस बात के खिलाफ हो। ऐसे ही तुम्हारी तरफ से उसके दिल में बाल आए। नहीं भाई, मैं करूंगी हामिद से बात, अर्शद से भी करूंगी, करनी ही है मुझे। ये सब अस्मा की प्लानिंग है, वो ये सब कुछ करवाना चाहती है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें अस्मा का कोई भी अमल दखल है बेटे। कल जब अफशा का रिश्ता आया था उनके घर में, तो सबसे ज्यादा अस्मा खुश थी। उसका तो बस नहीं चल रहा था कि उसी वक्त वो हाँ कहें और ये तारीख दे दे। मैंने ही मना किया था कि इस तरह रिश्ते तय नहीं होते, सोचने के लिए टाइम लो, एक आध दफा मिलेंगे फिर बात पक्की करना। अस्मा नहीं। अम्मी जी। बेटे, ये खालिद का कोई फोन नहीं आया अभी तक? आया था, तुम परेशान क्यों हो रही हो? सुबह सवेरे तुम्हारे पापा ने रिसीव किया था, उसने लैंड करते ही फोन किया था कि वो कह रहा था कि मैं यहाँ से सीधा मीटिंग में जाऊंगा, फारिग होते ही कॉल कर लेगा। तुम क्यों परेशान हो? परेशान नहीं होते हैं। अच्छा सुनो, पहली दफा गया ना तुम्हारे सामने, एक काम करो, अपनी अम्मी के यहाँ चले जाओ, मैं तुम्हारे पापा से कहती हूँ तुम्हें छोड़ा है। अरे तुम? वालेकुम अस्सलाम। लो भाई, मसला हल हो गया है। मसला? कैसा मसला? अरे मसले वाली कोई बात नहीं है, इसके होते हुए खालिद पहली दफा मुल्क से बाहर गया, घबरा रही थी, मैंने कहा जाओ अम्मी की तरफ आओ, इसके पापा को कहने ही वाली थी कि छोड़ा है इसे, तुम आ गए तो मसला नहीं हल हो गया क्या? जी जी बिल्कुल। भाई आया, कुछ खिलाओ पिलाओ है, और ये चेहरा ठीक करो जरा, अभी जा रही हूँ अम्मी की तरफ। ठीक है, मैं आती हूँ। जी अम्मी, आओ बैठो। सब खैरियत है ना? तुम तो इस तरह कभी नहीं आते। हाँ ना, एक काम है तुमसे। बोलो क्या बात है? मैं अफशान से शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, तो ये बात है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? अच्छी बात है ना, मगर प्रॉब्लम ये है कि अफशान के रिश्ते की बात कहीं और चल रही है, और मेरी नॉलेज के मुताबिक वो लोग एक दो दिन में फाइनल करने वाले। तुमने अम्मी से बात नहीं की क्या? बात की है अम्मी से, लेकिन फिर अम्मी ने दो तीन दिन का टाइम मांगा है सोचने के लिए। अब तुम खुद सोचो, दो तीन दिन में अगर अफशान के रिश्ते में हाँ हो गई, अंकल ने कहीं हाँ कह दी तो, और मैंने अम्मी से साफ कह दिया कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ अफशान से करूंगा, वरना नहीं करूंगा। तुम परेशान मत हो, मैं साथ चल रही हूँ ना, मैं अम्मी से बात करती हूँ। अफशान बहुत अच्छी लड़की है ना, अब चलो ना। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं 5 मिनट में आई। अरे 5 मिनट नहीं, बस 2-3 मिनट में आ जाऊंगा। तुम भी ना, मैं आ रही हूँ। अरे बैग ही तो लेना है ना तुम्हें। हाँ हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। हैंडसम आदमी। हाँ वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? हाँ सब ठीक है। तुम कुछ उलझी उलझी सी दिखाई दे रही हो, क्या बात है, खैरियत है? अबू मुझे लगता है कि हमसे ना गलती हो गई, हमें उन लोगों को संडे का नहीं कहना चाहिए था। भाई संडे में तो 2 दिन पड़े हैं, हम एक काम करते हैं, हम कल ही उनके घर चलते हैं। बेटा ऐसे कहाँ होता है, थोड़ा इंतजार करो, इतनी बेचैनी क्या है, ऐसा लगेगा कि हम लोग तैयार बैठे, कुछ रख रखाव भी होता है ना। जी अबू, अबू मुझे तो इस बात की बहुत बेचैनी हो रही है, बस मैं चाहती हूँ कि जल्द अज जल्द रिश्ता तय हो जाए। और अबू मैंने सोच लिया है, जो ही रिश्ता तय होगा ना, हम उसी महीने शादी कर देंगे। हाँ हाँ, तारीख भी तय कर लेंगे, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें, समझी? सुनो अर्शद को दुआ कहना। जी, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।
जी अब्बू, आप ही क्यों तुम मेरे पीछे पड़ी हुई हो? क्यों तुम्हें मेरी शादी की इतनी जल्दी है? तुम्हारी शादी की फिक्र मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? हाँ है मुझे तुम्हारी शादी की जल्दी। तुम्हें मेरी शादी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अफशा अफशा, तुम बहुत बदतमीजी कर रही हो, बात को मत बढ़ाओ वरना अबू को सब बता दूंगी। एक बात कान खोलकर सुन लो आप, अगर तुमने मेरी शादी किसी और से करवाने की जबरदस्ती कोशिश की ना तो मैं निकल के वक्त सबके सामने इनकार कर दूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? तुम हेलो, मुझे बताओ तुम ये किस लिए कर रही हो? ये सब तुम राहिल की वजह से कर रही हो। बेटा तुम देखो मैं करती क्या। अरे ना सब बच्चा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। किसके साथ आई हो बेटे? राहिल छोड़ के गया है। तुमने बुलाया था? नहीं वो खुद आया था। आप आइए ना, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आए किसके बारे में बात करनी है बेटे? अफशा के बारे में। मैंने मना भी किया था उसे कि अभी इस बात का जिक्र ना करे किसी से। अम्मी मैं किसी नहीं हूँ, बहन हूँ उसकी। और अम्मी अगर उसकी यही ख्वाहिश है तो क्या बुराई है? तुम नहीं समझोगी बेटे। तो फिर समझाए ना अम्मी, यही तो पूछ रही हूँ। अच्छा ये बताओ, खालिद पहुंच गया खैरियत से? हाँ वो पहुंच गए हैं। मैं सो रही थी तो उनकी कॉल आई थी, अम्मी से बात हुई थी। अब वो जब भी फ्री होंगे मुझे जरूर कॉल करेंगे। चलो। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अरे क्या हो गया है तुमको? अम्मी वो बहुत परेशान है, बहुत टेंशन में है वो। कोई बात नहीं है, अगर आज टेंशन में है हो लेने दो उसे टेंशन में। पर जो वो चाहता है अगर वो हो गया तो सारी जिंदगी परेशानी है इस घर के लिए। अम्मी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अब तुमने बात छेड़ी है तो फिर मेरी भी सुन लो। मैं बहुत परेशान हूँ बेटा, बहुत खौफजदा, बहुत डर गई हूँ। मैंने तो अम्मी से सवाल कर लिया कि आखिर दो दिन में आप क्या सोचेंगी। कह रही थी कि अफशान की शादी वहीं होगी जहाँ उसके लिए बेहतरीन है, कि चाहे वो मैं हूँ या कोई और। मैंने भी आप ही से साफ साफ कह दिया, अगर उन्होंने मेरी शादी कहीं और करने की कोशिश की ना तो मैं सबके सामने इनकार कर दूंगी। जिस तरह मैंने अपनी अम्मी से बात की, तुम भी अपने अब्बू से बात करके देखो, शायद वो मान जाए। अब्बू से? नहीं राहिल, मैं अब्बू से कैसे बात कर सकती हूँ? मैं नहीं बात कर सकती। और तुमने बात की है ना, मुझे उम्मीद है कि अब्बू को इस रिश्ते से कोई मसला नहीं होगा। राहिल तुम्हें हिम्मत करनी होगी। एक काम क्यों नहीं करते, तुम हामिद भाई, अरशद भाई और फौजिया भाभी को लेकर यहाँ पहुंचो और उनसे कहें कि वो बात करें। वो बात करेंगे तो अब्बू जरूर मान जाएंगे। फिलहाल तो मैं हिना को घर पर छोड़कर आया हूँ, अम्मी से बात करेगी, अब देखो क्या होता है। हमेशा से इस घर में आप अथॉरिटी रही हैं और इंशाल्लाह हमेशा रहेंगी। आप ऐसा वैसा क्यों सोच रही हैं? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था बेटे, कभी नहीं सोचा था। पर अब बेटों की शादी के बाद मुझे आसार ऐसे ही नजर आ रहे हैं। अम्मी मेरी भी तो शादी हुई है, लेकिन उनको तो ऐसा कोई डर नहीं है। तुम्हारी बात और है, खालिद इकलौता बेटा है, उनके बाद जो भी कुछ है उसी का है। यहाँ मामला फर्क है बच्चे, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों के बीच में बंटवारा आए। मेरे बेटे एक ही छत के नीचे इकट्ठे ना रह सके। कम से कम मेरी जिंदगी में तो नहीं।
हीना आई है। अस्सलाम वालेकुम बाप। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी आपकी मेडिसिन। पता है जब से अम्मी की मेडिसिन की जिम्मेदारी मैंने ली है एक दिन भी मिस नहीं होती, हमेशा टाइम पे है ना अम्मी? ये तो बहुत अच्छी बात है भाभी। तुम्हारे लिए चाय बनाऊं? अम्मी मैं इसके लिए चाय बना। हाँ हाँ बेटी। राहिल नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो खाने पे आओ। मैं नहीं आ रहा, तुम जाओ। बच्चों जैसी बातें मत करो। कमाल है, मैं तुमसे अपनी शादी की बात कर रहा हूं और तुम्हें मेरी बातें बच्चों जैसी लग रही हैं। क्या कहा अम्मी ने? अम्मी की भी बहुत सी बातें गलत नहीं है। समझ गया, मिल गई ना तुम भी अम्मी से। अब जाओ, नहीं खाना मुझे खाना, इंतजार कर रहे होंगे तुम्हारा। तुम नहीं खाओगे? ठीक है, मैं भी नहीं खाऊंगी। हिना प्लीज यार जाओ यहां से, मैं ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब हूं, परेशान मत करो मुझे। मैं तुम्हें परेशान कर रही हूं? तो और क्या, मैंने सोचा था कि तुम, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती मेरे लिए, इसके लिए तुम जाओ यहां से। अरे बाबा कर सकती हूँ, कर सकती हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन तुम मुझे थोड़ा टाइम तो दो। आज रात मैं अम्मी से आराम से तसल्ली से बात करूंगी, तुम्हारी और अफशा की शादी के लिए मैं अम्मी को राजी कर लूंगी। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस।